अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। देहरादून में फूंका गया चीन का पुतला, नागरिकों ने लिया चीनी उत्पादों के बहिष्कार का संकल्प। चाइना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चाइना के बने सामानों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। चाइना के बने सामानों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। चाइना के सामानों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की मनमानी और भारतीय सैनिकों पर कायराना हमले से पूरे भारत में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को उत्तराखंड के देहरादून में सहारनपुर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चीन का पुतला फूंका और चीनी उत्पादों की होली जलाते हुए बहिष्कार किया। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने कहा कि चीन की इस हैवानी हरकतों का जवाब दिया जाएगा और भारतीय सेना चुप नहीं बैठेगी। विशाल गुप्ता ने पीएम मोदी के फैसलों का हवाला देते हुए विश्वास जताया कि भारत अपने सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का बदला जरूर लेगा। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। चाइना ने जो बदमाशी करने का काम किया, लगातार हिंदुस्तान में बदमाशी करना और अकाई चीन जैसी जगह को हड़पना, भारत के उस समय के तत्कालीन सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज 56 इंच का चीन की सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और भारत तस से मस नहीं होगा और भारत ने जो निर्णय लिया है उस पर अटल रहेगा। उसमें दुनिया इधर से उधर हो जाए, विश्व इधर से उधर हो जाए, लेकिन भारत अपने अग्रणी विश्वासों के साथ अपने सैनिकों के कंधों से कंधा मिलाकर भारत की सीमा को चौकसी बरतने का काम करेगा। आज छोटी सी घटना उस सड़क के निर्माण को लेकर जो हमारे भारत के क्षेत्र में बन रही है, उस सड़क के निर्माण पे चाइना आपत्ति दर्ज करता है। हम पूछना चाहते हैं चाइना से कि आज हम भारत अपनी जगह पे एक सड़क का निर्माण कर रहा है, भारत अपनी सुरक्षा के लिए कोई सड़क का निर्माण कर रहा है, भारत अपनी सैनिकों की सुविधा के लिए एक सड़क का निर्माण कर रहा है और भारत की आप जो संयमता है, जो सहन शक्ति है, उसको बर्दाश्त होती है, क्योंकि भारत एक संस्कृति और विशाल विरासत के साथ हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाता है, सबका साथ सबके विकास के साथ चलता है और पूरे विश्व को वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा से परिभाषित करता है। इसलिए भारत जवाब नहीं दे रहा और भारत को जब उकसाने का काम करेगा, इसमें माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि भारत को जो उकसाएगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे 130 करोड़ जनता कंधे से कंधा मिलाकर अपने वीर शहीदों को नमन करती है और वीर शहीदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस सहमत सीमा पे डटे रहने का भी एक संकल्प लेती है। भारत का कोई भी भारत के ऊपर आंख उठाकर बात करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।